तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो यामा कंपनी की तरफ से अभी जो एक न्यू एडिशन लॉन्च कर दिया गया है उनका ही एक बाइक के अंदर। तो ये जो आप लोग अभी बाइक देख रहे हो इसी वीडियो के अंदर, तो ये है MT-03 और इसी के अंदर अभी जो न्यू एडिशन लॉन्च कर दिया गया है यामा कंपनी की तरफ से, तो इसका नाम यामा कंपनी बोल रहा है आयरन मैन एडिशन। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, आज की इसी वीडियो के अंदर हम इसी MT-03 के आयरन मैन एडिशन के ही बारे में बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो हाल ही में भी यामा कंपनी की तरफ से एक न्यू एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है उनके ही जो MT-03 बाइक आता था, तो उसी बाइक के ही अंदर, तो ये जो न्यू एडिशन अभी लॉन्च हुआ है ये बाहर के देशों में लॉन्च हुआ है, इंडिया में भाई ये बाइक अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसी वजह से ये एडिशन भी अभी लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि बाइक ही नहीं है तो ये वाला एडिशन कहां से लॉन्च होगा। तो ये जो न्यू एडिशन अभी लॉन्च हुआ है इसको यामा कंपनी बोला है अभी MT-03 आयरन मैन एडिशन। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये जो एडिशन है ये ब्राजील देश के अंदर लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे करके और भी कई कंट्रीज के अंदर चला जाएगा। तो ये सब तो लगे, लेकिन देख सकते हो ये जो रेड और गोल्डन के ही एक कॉम्बिनेशन में जो एक ड्यूल टोन कलर दिया गया है इसी बाइक के अंदर, तो ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत तो लग ही रहा है अपने आप में ही। और उसकी साथ देख ही सकते हो इस बाइक के अंदर जितना भी लाइट सेटअप दिया गया है तो वो सारा का सारा ही LED लाइट सेटअप दिया गया है, और सामने तो एक प्रोजेक्टर लाइट सेटअप भी दिया गया है। और इसके अलावा भी देख सकते हो इस बाइक के अंदर जो सामने सस्पेंशन दिया गया है तो वो है अपसाइड डाउन फोक्स, और इसके अलावा भी इस बाइक के अंदर जो सामने ब्रेक दिया गया है तो ये है 298mm वाला डिस्क ब्रेक विद ABS। तो इस बाइक का जो रेयर वाला सस्पेंशन है तो वो है प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, और इस बाइक के पीछे देख सकते हो जो डिस्क दिया गया है तो वो है 220mm वाला डिस्क। और इसके अलावा भी देख सकते हो इस बाइक के अंदर जो इंजन दिया गया है तो वो है पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन, और ये जो इंजन है ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 42 bhp, और ये वाला इंजन जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 30 Nm। तो देख ही सकते हो इस बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर दिया गया है आयरन मैन का एक ग्राफिक्स, और उसके हिसाब से इस बाइक के अंदर लोग देख सकते हो जो मीटर कंसोल दिया गया है ये एक डिजिटल वाला मीटर कंसोल है। तो यही था एक क्विक रिव्यू इसी MT-03 के आयरन मैन एडिशन का। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।